साजिशों को दरगुजर फरमा। अल्लाह आज की इस मजलिस को कबूल फरमा। अल्लाह आज के सर्विस की इंतजामिया को कबूल फरमा। सबसे पहले तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, आप लोग जैसा जानते हैं, हर अच्छे काम में आगे रहते हैं, बुरे कामों में तो हमें उनको साथ नहीं देते, लेकिन जब उनका बुरा वक्त रहता है हमें उनको साथ देती। एक दूसरा जो है, आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से पुलकेशी नगर हलके में आज सुन्नत इब्राहिम का एक अजीम और शान एक इजलास और इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर हम एक तकरीबन 100 लोगों का, 100 बच्चों का जो है यहाँ पर सुन्नत इब्राहिम कराने का इंतज़ाम किए थे, लेकिन जब हम टोकन तकसीम किए थे 100 से ज़ायद लोग जो है यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो एक तो खुशी की बात है कि एक सुन्नत जिंदा कर रहे हैं, और दूसरा ऐसा आवाम की खिदमत करने के वास्ते जो है एक आसानी हो रही है, क्योंकि अगर आप अच्छे से एक हॉस्पिटल को जाकर सुन्नत इब्राहिम का अगर इंतज़ाम करना पड़े तो एक घर को जो है तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च होता है। वो डॉक्टर की फ़ीस हो, उनकी दवाई का खर्च हो, ये जो है तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये होता है। उसके साथ साथ अगर थोड़ा बहुत वो बच्चे को थोड़ा जिस्मानी तौर पर तैयार करना है तो उनको उनके ग़िज़ा में भी जो है अच्छी सी एक खुराक देना पड़ती है, उसको भी अगर खर्च करेंगे तो 1.5 हज़ार से करीब जो है उसका भी एक खर्च आता है। तो तकरीबन एक बच्चे को जो है 4 हज़ार रुपये खर्च आता है। वो जो खर्च है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है, ताकि एक अच्छा खुराक भी मिले और अच्छे वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के साथ जो है उनका सुन्नत इब्राहिम का एक मामला पेश आए। तो ये कैंप आज हम पुलकेशी नगर हलके में मुनाकिद किए गए हैं, लोग जो है यहाँ पर आए हैं, शामिल हुए हैं, कार्रवाई शुरू हुई है। तो ऐसे खैर का के कामों में कभी भी जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDP आगे बढ़कर है। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 130 बच्चों का सुन्नत इब्राहिमी का प्रोग्राम किया है, और गैर मुसलमान भाइयों को भी राशन की तकसीम का ये किया है हम लोगों ने। इंशाल्लाह ये पार्टी में जो खिदमत चलती रहेगी, इंशाल्लाह खिदमत चलती ही रहेगी। इंशाल्लाह आप लोगों से भी और आवाम से भी दो अपील करते हैं कि हम लोगों का साथ दें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया केवल चुनाव राजण माँवंतल सामाजिक सेवे माँवंतरली यू कूड़ा प्रमुख स्थानद्लू सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया देश 20 राज्य कर्नाटक 30 जिले रीतियां सेवेन चलवियन राजण कर्तु इवत पुलकेशी नगर केवल कल हिंदे चुनाव नड़दे ना स्पर्धेमी सोतदी आदि सोलू गेलो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ् इंडिया के मुख्य आगोद जनर सेवे मंतु मत धर्मद जातियों धार्मिक विधि विधान संबंध ऐसी संप्रदाय अदर जो निंतु अद्वन पालसुद्ध सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ् इंडिया मुंचे इन मुदे कूड़ा रीतिया सेवे नडसको मत कार्यक्रम नंतर ना किल बड़ कुटुब आहार किट कार्यक्रम हमारे अदे संबंध दानी कूड़ा नम जोतल और नान सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ् इंडिया नान धन्यवाद अर्पित इष्टपड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मुजाहिद भाई और आदम साहब ने बताया, तकरीबन 130 बच्चे आज रजिस्ट्रेशन होकर है, और एक हाइजीनिक या सेहत आपदा बच्चे के लिए जो ज़रूरत है, एक इनिशियल बेसिक स्टेप इसे आप जो कह सकते हैं, ये इस्लाम का बताया हुआ एक बेहतरीन तरीका है। सुन्नत इब्राहिम के कई मेडिकल बेनिफिट्स आज डॉक्टर्स जो है सजेस्ट कर रहे हैं। अगरचे किसी को यूरिनल इन्फेक्शन हो या कोई भी हो, तो उनको फर्स्ट सजेशन डॉक्टर जो है सुन्नत इब्राहिम का एक सजेशन दे रहे हैं, जबकि ये इस्लाम में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरफ से जो है एक दिया हुआ एक तोहफा है। तो इस्लाम ऐसे चीज़ों को प्रमोट करता है। ये एक मुसलमान बच्चों के लिए सुन्नत इब्राहिम का एक अरेंजमेंट किया गया है। इसी तरह ये कम्युनल हारमोनी को नज़र में रखते हुए नॉन मुस्लिम्स को यानी कि गैर मजहब वालों को एक राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन का भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम किया गया है। मैं तमाम कैडर्स मेंबर्स वेलविशर से गुजारिश करता हूँ कि आपकी खिदमत को इसी तरह बुलंद करते हुए आगे बढ़ते जाएं, ताकि एक बहुत बड़ा काम जो है हमें आगे की
वक्त में करना है बोलकर मेरी बात खत्म करता हूँ। तो एक सुनहरा मौका है पुलकेशी नगर की आवाम और बाहर जो भी है आवाम हमारे बेंगलुरु के कई जगह से आकर करा रहे हैं सुन्नत इब्राहिम। हमें खुशी है और हमने मजा आता है कि जो भी सोशल एक्टिविटी है हमारे लोगों के वास्ते काम करने के लिए हमने मजा आता है और अल्लाह से हमें दुआ करते हैं। और जितने भी हमारे साथियाँ आई कई उन्होंने अपने फिरने में कहीं कहीं जाने में पैकेजों में उसमें रहती लोग जुड़ना है एचडीपीआई के साथ उनके मेंबर बनकर और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत जगह कैंप डालकर हमें लोगों की खिदमत करने का मौका देना है और उन्हें भी हमारे साथ जुड़कर काम करना है।